करनी है हमने, सिर्फ स्टैंड अप जो बेसिक ट्रेनिंग है वो सिखानी है, और ये जो बड़े डॉग हैं इनकी ज्यादा है तो हमने इनको ट्रेन करना है, ये बाइट भी करते हैं। आसा हम स्टार्टिंग में नहीं दिखा सकते क्योंकि वो डॉग अभी बहुत अग्रेसिव होता है और बाइट करता है, तो इसलिए ज़रा थोड़ा मुश्किल होगा। और आज इन जो उनकी वीडियो है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो इनको सीखा है उसको थोड़ा सिखाया हुआ है, और इसको अभी ट्रेन करना। आज इसकी हम फर्स्ट वीडियो बनाएंगे, दोनों की फर्स्ट वीडियो है, लेकिन ट्रेनिंग के लिए इसकी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी इसको कुछ भी नहीं पता, तो मैं वो आपको ट्रिक्स बताऊंगा कि जो बड़ा डॉग होता है उसको आप कैसे सिखा सकते हो, सारे तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। आगे वीडियो पे जब स्टार्ट करेंगे फिर आप देखिएगा। गाइस इसको जो मैंने अभी कमांड सिखाई है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसके बाद हम लैब्रा के पास जाएंगे, जो लैब्रा ने कमांड सीखनी है वो मैं आपको तरीका बताऊंगा, क्योंकि वो बड़ा डॉग है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और अभी जो इसने कमांड सीखी है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ट्रैको गुड बॉय, हैंड शेक गुड बॉय, अदर वन हैंड शेक गुड बॉय, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, वेट स्टे डाउन, नो सिट ट्रैको, वेट सिट डाउन, स्टे wait down, very good, great, okay sit, stand up Draco, stand up, come on good boy, come on good boy, come on good boy। अभी ये सीख रहे हैं, आगे जब ये ज़्यादा कंप्लीट कर जाएंगे इस ट्रेनिंग को फिर भी इसकी वीडियोस बनाएंगे, फिर ये ज़्यादा अच्छा सीख जाएंगे। अभी इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर की हुई है, तो जैसे जैसे सीखेंगे ये वीडियो अपडेट करेंगे, और अभी इनको स्टे भी सिखाया है, ये कंटिन्यू रखना है सारी कमांड मैंने जो इनको सिखाई है, तो फिर इसी तरह ये रिपीट रहेगा तो ये सीख जाएंगे। अब जिसने स्टे सीखा है वो भी आपको बताना चाह रहा हूँ, सिट स्टे, और स्टे के दो तीन वर्ड्स होते हैं, जैसे अभी बोला है स्टे, और इसको मैं अपने पास बुलाऊंगा और ये आ तो जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं, फिर इसकी प्रैक्टिस करवानी है रोकने के लिए। अभी जैसे बैठा हुआ है इसको बुलाएंगे तो ये हमारी बात सुन के आएगा। अभी मैंने इसको स्टे सिखाया है, लेकिन जब इसको कॉल करते हैं कि ये हमारे पास है उसके अलावा ये रुकता नहीं है। अभी वो भी कमांड सिखानी है, लेकिन अभी जो नॉर्मल कमांड सीखा है वो आपको दिखा रहा हूँ, कि नेक्स्ट जो इसकी वीडियो मैं बनाऊँगा इसको प्रॉपर सिखा के, कि एकदम से जो मैंने सिखाया होता है फिर वो आपको ईजी लग रहा होता है, तो मैं आगे इसको दिखा रहा हूँ। जो रेको कम हियर गुड बॉय, कम गुड बॉय, इसको मैं बोलूँगा स्टे भी नहीं रुकेगा, स्टे नहीं, ये अभी रुक नहीं रहा, ठीक है। तो जब हम इसको सिखा देंगे तो ये इजीली स्टे सीख जाएगी, सिट स्टे, जब मैं इसको बुलाऊँगा तो तब ये आ तो जाता है लेकिन रुकता नहीं है। रुकना आप रुकाना कैसे वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आपने इसको स्टे बोलना है ऐसे, ये रुक तो जाएगा लेकिन जैसे ये आपके पास है आपने फौरन इसके ऊपर कमांड दे के बोलना है, कम ऑन स्टे गुड बॉय, आपने इस तरह इसको ये रुकने की कमांड देनी है, तो फिर ये जब आप कॉल करेंगे तो फिर आ जाएगा और फिर ये रुक जाएगा। देखो कम स्टे स्टे गुड बॉय, अगर तो डॉग ट्रीट ले लेता है तो अच्छी बात है, नहीं भी लेता तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रीट देनी आपने अगर खाता है तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी डॉग सीख जाते हैं। अब इसको मैंने दोबारा रोका है तो ये रुका है, इसको प्रॉपर अभी पता नहीं, क्योंकि अगर मैं दूर जाके इसको स्टे बोलूँगा तो ये नहीं रुकेगा। ये मैंने आपको तरीका बताया कि आप डॉग को कैसे सिखा सकते हैं। अब जो इसकी कमांड है बड़े डॉग की वो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ, कि बड़े डॉग को आपको कैसे फर्स्ट टाइम आप मिलते हैं तो उसके साथ आप कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये पकड़ो, थैंक यू, इसका नाम है ब्रूनो, बहुत खूबसूरत मेल है, लेकिन इसके साथ अभी फ्रेंडशिप नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ये मुझे काटेगा, लेकिन इसको हाथ से ट्रीट दी नहीं गई अभी, इसको अभी खाने का पता ही नहीं है, इसीलिए आप फर्स्ट टाइम जो होते हैं आपने ट्रीट को उसको कैच करवाना है, तो इसको प्रॉपर आप ऐसे उठाएंगे तो ये बैठ जाएगा, अभी ये खड़ा होगा, इसको पता नहीं है स्टैंड अप का तरीका, तो मैंने क्या करना है ट्रीट दिखा के इसको कमांड बोलनी, स्टैंड अप बॉय कैच, ये कमांड का इसको नहीं पता लेकिन ये ट्रीट की वजह से उठा है, लेकिन इसको ट्रीट मिली है उसको वर्ड की समझ आएगी आस्ता आस्ता, आपने ये रिपीट रखना है, अब इसको ट्रीट दे देनी है, ब्रूनो कैच
इसको ट्रीट दीजिएगा। और आपने ये कोशिश नहीं करनी है हाथ से खिलाने की, क्योंकि अभी इसको तरीका नहीं पता, एकदम खाने के लिए आपके हाथ को पकड़ेगा, मे भी आपको चोट लग जाए, तो इससे आपने केयरफुल रहना। सेट, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय, ओके, वेट, सेट, गुड बॉय। आपने स्टैंड अप के लिए फिर उसको बोलना है, फिर दिखा दो, स्टैंड अप, गुड बॉय। अब मैं इसको ट्रीट के बगैर बोलूँगा, और मैं भी ये स्टैंड अप ना हो, क्योंकि ट्रीट का अभी इसको नहीं पता, स्टैंड अप सिट का, सिट स्टैंड अप का, अभी मैं वो तरीका देखना चाह रहा हूँ। स्टैंड अप, स्टैंड अप, नहीं हो रहा, क्योंकि उसको वर्ड का पता ही नहीं है स्टैंड अप किसको बोलते हैं। तो ये मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कि आपने इस तरह अपने डॉग को करना है, ये ट्रीट दिखाऊंगा, ये फौरन स्टैंड अप हो जाए। ब्रूनो, स्टैंड अप, गुड बॉय, कैच, ओके, ब्रूनो, सिट, गुड बॉय। इसी तरह अगर आप ही अपने डॉग को टाइम देंगे, इस तरह सिखाना चाहेंगे, तो आपका डॉग इजीली सीख जाएगा। लेकिन आपको वीडियो हमेशा एंड तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी टिप्स ऐसे होते हैं कि आपको सिखाने के लिए बड़ा इजी लगेगा, आप सिखा सकेंगे। तो अगर आपको ये मेरा तरीका अच्छा लगा, मेरी वीडियोज़ अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।